अस्सलाम वालेकुम व्यूअर्स, मेरा नाम है इरफान करीम एंड वेलकम टू माय चैनल फूडी भाई। व्यूअर्स, हमारे एक बड़ी अच्छी सब्सक्राइबर हैं मिसेस साइमा, उनका हमें मैसेज आया है कि प्लीज़ आप हमारे घर पे आएँ, हमने को आपसे मज़ेदार सी फूड की रेसिपी शेयर करनी है। तो हमारा भी मूड बना है उनकी तरफ चलने का आपसे, ताकि मज़ेदार सी कोई रेसिपी शेयर करें। तो व्यूअर्स, फिर क्या कहते हैं, हाँ, मिसेस साइमा के किचन में चले मज़ेदार सी रेसिपी पता करने के लिए जो उन्होंने हमसे शेयर करनी है। चलें फिर व्यूअर्स, टाइम क्या वेस्ट करना है, लेट्स गो। ले जी व्यूअर्स, हम पहुंच गए हैं मिस साइमा के किचन में। तो उनसे पूछते हैं कि आज कौन सी मजेदार डिशेस वो हमें बताएंगी, किसकी रेसिपीज बताएंगी। और मिस साइमा, क्या हाल है आपके? अल्लाह का शुक्र, ठीक ठाक। और सुनाए, सब ठीक? हाँ जी, अल्लाह का शुक्र। आज हम आपको बता रहे हैं पिज्जे की रेसिपी। पिज्जा? हाँ, जो आपने पहले कभी नहीं खाया होगा, और आप ये पिज्जा जब घर में बनाएंगे तो आप बाकी सारे पिज्जे भूल जाएंगे, और जब बाहर का पिज्जा खाना बंद कर देंगे। ले जी मिस साइमा, कह रही हूँ बाहर का पिज्जा बंद हमेशा के लिए, इतना टेस्टी होगा पिज्जा। और इसमें क्या क्या डलता है? ये हमारा जो पिज्जा है 16 इंच का पिज्जा हमने, उसके लिए आपकी ये सारी इंग्रेडिएंट्स है, जिसके लिए हमने 3 कप मैदा लिया और 2 टेबलस्पून योगर्ट, ऑयल है तकरीबन 2 से 3 टेबलस्पून, 1 एग और शुगर है 1 टेबलस्पून, यीस्ट इसमें डलती है 1 टेबलस्पून, पाउडर मिल्क है 1 टेबलस्पून। पाउडर मिल्क कोई भी यूज कर सकते हैं, कोई भी यूज कर लें आप। और ये है सॉल्ट, ये वन टीस्पून सॉल्ट। सबसे पहले हम वाटर ले लेंगे जी, नीम गर्म पानी है जी। इसमें हमने अपनी यीस्ट डाल दी, यीस्ट। इसके बाद हम डाल देंगे इसमें शुगर 1 टेबलस्पून, 1 टेबलस्पून शुगर डाल के हम इसको अच्छी तरह मिक्स कर लेंगे। अच्छा, ये सारी चीजें वाटर में हमने मिक्स कर लेनी है। और ये जो पिज्जा मैं हम बना रहे हैं, ये होगा विदाउट ओवन। बहुत से लोग होते हैं विदाउट ओवन, बहुत से लोग होते हैं जिनके घर में ओवन नहीं होता या ओवन यूज करना उनको मुश्किल लगता है, तो वो इस तरह अच्छा पिज्जा बना सकते हैं। इसको हम अच्छी तरह मिक्स कर लेंगे। जी व्यूअर्स, सबसे अच्छी चीज तो ये है कि ये विदाउट ओवन बनेगा। और ये किसमें बनाएंगे आप? ये हम पतीले में बनाएंगे। अच्छा, पतीले में, वाओ, ग्रेट। इसको हम मिक्स करके इसको 5 मिनट के लिए हम रखते हैं, 5 मिनट के लिए हम इसको ढक के रख देंगे कि इसमें हवा ना जाए। अच्छा, 5 मिनट। ये हमारी जो यीस्ट है, ये हमारा यीस्ट है, ये फूल चुका। अब हम बिस्मिल्लाह करते हैं अपनी डो के लिए। सबसे पहले मैदा, ये हम एक बाउल ले लेते हैं, बड़े वाला। ये हम बाउल ले लेते हैं, बड़े वाला। अच्छा, बड़ा बाउल लेंगे। हाँ, इसको हम गूंथेंगे। मैदा जो मैंने 3 कप लिया था, ये 3 कप मैदा व्यूअर्स। इसमें सारे ड्राई इंग्रेडिएंट्स डाल देंगे, ड्राई मिल्क, सॉल्ट एंड योगर्ट। अच्छा, ड्राई मिल्क, सॉल्ट एंड योगर्ट मिक्स करना, योगर्ट डाल के इसको मिक्स कर लेंगे अच्छी तरह से। अब इसमें जाएगा एक अंडा। आपने देखना है कि अंडा आपका छोटा हो, बड़े साइज का ना हो। अच्छा, अंडा छोटे साइज का होना चाहिए। अगर आपके बड़े साइज का अंडा है तो आपने फिर हाफ ले लेना है। अच्छा लीजिए व्यूअर्स, अगर अंडा बड़े साइज का हो हाफ, छोटे साइज का हो तो फुल इसमें डाल। मैंने जो एग लिया है वो छोटे साइज का था, इसलिए मैंने पूरा डाल दिया। अब इसको अच्छी तरह मिक्स करके, ये देखें भुरभुरा सा हो गया। अब इसके अंदर हम अपनी, ये देखें कितनी अच्छी हमारी यीस्ट है, वो फूल चुकी है। वही यीस्ट है, वो इतनी ज्यादा फूल गई। वो इसके पिज्जे की डो के सबसे ज्यादा इम्पोर्टेंट जो है वो यीस्ट है। अगर ये आपकी अच्छी फूल गई है तो समझे आपका पिज्जा जो है वो बहुत जबरदस्त बनेगा, उसकी डो। अच्छा, यानी डो के ऊपर यीस्ट का अच्छा होना बहुत जरूरी है अच्छी डो के लिए। पिज्जे की डो बहुत ज्यादा हार्ड नहीं होती है, सॉफ्ट होती है। इसको हम सॉफ्ट तरीके से गूंथेंगे, और जैसे आपने देखना है कि पानी अपने हिसाब से वो डाल लें। अब आपने पानी जो है वो थोड़ा थोड़ा करके डालना है, एकदम नहीं डालना है, और इसको गूंथते जाना है। अच्छा, थोड़ा थोड़ा पानी डाल के इसको गूंथी जाएंगे। ये देखिए, अब हमारी जो डो है वो तकरीबन जो है वो गूंथ चुकी है अच्छे से हम। अब जब हमारी डो ऐसे हो जाएगी तो हम इसमें अब डालेंगे ऑयल। ये ऑयल ऑलमोस्ट कितना था? तकरीबन ये 2 से 3 टेबलस्पून था, लेकिन हम सारा नहीं डालेंगे। अच्छा, आहिस्ता आहिस्ता करके इसमें ऑयल डाल देंगे और इसको गूंथेंगे।
ये देखिए हमारा आटा जो है वो कितना जबरदस्त गुन चुका है। ये आप इसको दो तीन दफा ऐसे इस तरह जोर जोर से मारने से क्या होगा? ये सॉफ्ट हो जाता है। ये देखिए जबरदस्त हो गया। अब हम एक बाउल ले लेंगे, इसके अंदर वही जो ऑयल था उसमें से थोड़ा सा ऑयल बचा लिया मैंने, इसको हम अच्छी तरह लगा देंगे इस बाउल से। इस बाउल पे हम इसको अच्छी तरह लगा दें ऑयल को और ये जो अपनी डो है इसको हम अब तकरीबन एक घंटे से या एक घंटा या दो घंटा, कई लोगों की एक घंटे में भी फूल जाती है, कईयों की दो घंटा लेती है, मतलब बेस्ट टाइम क्या है? बेस्ट एक घंटा होता है, यानी अगर आपकी एक घंटे में फूल भी है तो ठीक है, वरना दो घंटे का। या हम इसको कवर करके किसी एयर टाइट जगह पे रखेंगे, आप किसी अपनी कैबिनेट में रख लें या ओवन में रख लें। चलें, डो हमने राइज होने के लिए रख दी है, अब हम अपनी चिकन की मैरिनेशन स्टेप टू की तरफ आएंगे। पीजा ये चिकन है तकरीबन 300 ग्राम, 300 ग्राम चिकन बोनलेस, और चाट मसाला, ऑयल 1-2 टेबल, नमक 1/2 टीस्पून, जिंजर गार्लिक पेस्ट तकरीबन 1 टीस्पून, सोया सॉस है थोड़ा सा 1/2 टीस्पून, और ये लाल मिर्च है ये भी तकरीबन है 1 टीस्पून, और गरम मसाला एंड दैट्स ऑल, और ये कैप्सिकम है हमारे पास और अनियन। अब ये कैप्सिकम कितना लेना है आपने? ये आप ले लें एक या दो ले लें, जितना आपको अच्छा लगे। और ये प्याज अनियन भी मैंने एक लिया। एक लिया। चलें अब हम इसको इन सब चीज़ों को चिकन में मैरिनेट कर देंगे। इसके बाद हम इसमें 1 टेबलस्पून योगर्ट डाल। अच्छा, अब हम इसको अच्छी तरह मिक्स कर लेंगे और 10-15 मिनट के लिए छोड़ दें। 10-15 मिनट के लिए इसको मैरिनेट करके रखना। अब हम इसमें ऑयल डालना है, हमने 1-2 टेबलस्पून बस थोड़ा सा ऑयल डालना है और इसको हम पूरे पैन में। इसके बाद जो हमारा हमने चिकन मैरिनेट किया था ये 10-15 मिनट हो चुके हैं, हम इसको डाल देंगे। मिसामा ये आंच कितनी रखनी है हमने इसकी? आंच आपने मीडियम। मीडियम आंच पे। क्योंकि ये बोनलेस चिकन है ये बहुत जल्दी बन जाएगा। ये चिकन ने अपना कलर चेंज कर दिया और हम इसको सिर्फ 5-8 मिनट के लिए हल्की आंच पे दम के लिए रखेंगे। जब कलर चेंज होगा तब हम दम पे रख देंगे। चले ये अब हमारा ये 6-7 मिनट हमने किया तो हमारे जो चिकन है वो रेडी है। अब हमने इसमें 2 कैप्सिकम तो हमने काटे थे, ये आपकी मर्जी, आप जैसे मर्जी। और अनियन इसको हमने पकाना नहीं है, इसको हमने सिर्फ मिक्सअप करना है। और अब इसका अगर आप इसको चाहते हैं कि आपके चीज़ें में बारबेक्यू टेस्ट आए तो आप इसमें हम इसमें अब स्मोक देंगे, हम स्मोक देंगे इसको रेड टाइप पीस रखा। हाँ ये क्या है? ये गर्म कोयला, हमने कोयले की स्मोक दी है इसे। ये इसके ऊपर से डाल दिया आप ऑयल और इसको हम 5 मिनट के लिए रख देंगे आग बंद कर। आग बंद करके डो को 1 घंटा हो चुका है और ये देखिए हमारी डो कितनी जबरदस्त किस्म की जबरदस्त फूल रही है। अब ये देखिए, अब आप इसको इस तरह और इस तरह उसके बाद इसको दोबारा गूंदना। नहीं, गूंदना नहीं है, बस इसको करना है कि इसकी जो हवा है वो निकले। ये देखें कितनी जबरदस्त हो रही है। इसके बाद ये हमारा पैन है 16 इंचेस का, इसको हम सबसे पहले इसकी ऑयलिंग कर लेंगे, ग्रीस कर देंगे इसको। अब आप चाहें तो बेल के भी डाल सकते हैं इसमें और चाहें तो इस तरह भी इसको कर सकते हैं। ज़्यादा इजी क्या होगा? मुझे ज़्यादा इजी ये लगता है। ये अब हम इसको ऐसे हिला देंगे हाथों की मदद से। ये आपकी मर्जी है, आप अपनी जो पिज्जे की नीचे वाली लेयर है वो थिन रखना चाहते हैं, थिक रखना चाहते हैं, जो आपको पसंद है। इसके बाद ये फोक लें, उससे आप इसमें होल करते हैं। ये अब हमारे सारे होल हैं पूरे पिज्जे में ऐसे।
इसके बाद पिज्जा सॉस है, ये आप घर में भी बना सकते हैं, बहुत इजी है, और ये आप बाजार में भी आपको इजीली अवेलेबल है। ये आप डाल दें। ये ऑलमोस्ट कितनी यूज करनी होती है? ये आपके टेस्ट पे है, लेकिन इस पे मेरे जा रहे हैं 4 से 5 ये वाला बड़ा स्पून। ये हमने अच्छी तरह से स्प्रेड कर दिया। अब ये हमारे पास 400 ग्राम चीज है, 400 ग्राम। इसको हम सारी नहीं डालेंगे, बस नीचे डालेंगे थोड़ी। अगर आप चीज लवर हैं तो आप अपनी ज्यादा भी डाल सकते हैं, इट्स ऑल अप टू यू। ये कौन सी चीज जैसे आपने यूज की? ये हमने मोज़रेला और चैटर दोनों मिक्स की है। अच्छा, लेकिन आप चाहे तो उसके लिए चैटर भी यूज कर सकते हैं। अकेली मोज़रेला भी? हाँ, नहीं मोज़रेला नहीं, अकेली चैटर यूज कर सकते हैं। इसके बाद हमने जो चिकन अपना मैरिनेट किया था उसको इसके ऊपर स्प्रेड कर रहे हैं ना, जबरदस्त। हमने इसमें चिकन डाल के इसको स्प्रेड कर दिया। अब हम क्या करेंगे, हम इसको थोड़ा सा हाथों से प्रेस करेंगे। इसकी क्या, ये ऐसे है कि वो पिज्जे के अंदर जो है वो बैठ जाएगा। इसके बाद हम इसमें दोबारा चीज की एक लेयर दे देंगे। वो जो चीज हमने जो 400 ग्राम में से जो बचाई हुई थी, यानी हाफ पहले डाल देनी है, हाफ बाद में डाल देंगे। अब ये हमने इसके ऊपर भी चीज की लेयर दे दी है। अब हम इसको फिर नरम नरम हाथों से दबा देंगे। इसके बाद हम इसमें ऑलिव्स डालते हैं। ये हमने अपने ऑलिव्स इसके ऊपर लगा दिए जी। और अब हमने अपना जो पतीला है वो हमने पहले गरम होने के लिए रखा हुआ है। ये तकरीबन, हाँ तकरीबन ये 15 से 20 मिनट हो गए हैं, ये ना हीट हो रहा है और ये हीट हो गया। इसके अंदर एक हमने पैन रखा, वो जाली रखी हुई है, ये आपको इजीली अवेलेबल हो जाएगी कहीं से। और अब हम इसके अंदर अपना पिज्जा रखते हैं। और इसको हम कवर कर देंगे। ये अब ऑलमोस्ट हमारा लेगा 30 से 35 मिनट। तो इसके नीचे फ्लेम कितना रखना है? फ्लेम शुरू शुरू में थोड़ा हाई है जी। लेकिन हम अभी इसको स्लो करते हैं। अच्छा, ये वो गर्म करने के लिए है? हाँ, बस इतना, जैसे आप चावलों को या किसी सालन को नीचे दम देते हैं वैसे। ठीक है, ये कितनी देर ऑलमोस्ट रहेगा? ये मैंने आपको बताया है, ये 30 से 35 मिनट में रेडी हो जाएगा। रेडी हो जाएगा। अब ये देखते हैं, हमारा पिज्जा जो है रेडी हो चुका होगा। ये क्योंकि हमारा बड़ा पिज्जा था इसलिए इसको लगे हैं हमें तकरीबन 1 घंटा लग गया। अगर नॉर्मल पिज्जा हो तो उसको जो है वो 35 से 40 मिनट में हो जाता है। तो अब हम बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम इसको खोल के, वाओ यूज अखीर ही किस्म का पिज्जा लग रहा है। अब हम मजीद खाएंगे तो आपको बताएंगे, कमाल ही हुआ बड़ा। ले जी व्यूअर्स, पिज्जा हमारा हो गया रेडी, देखने में तो आउटस्टैंडिंग लग रहा है। बाकी आपको खा के बताते हैं कैसा है, और थोड़ी सी केचप डाल लेते हैं क्योंकि आपको पता है केचप के बगैर पिज्जे का मजा नहीं आता। वाह, लुकिंग गुड। बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। वाह, एक बाइट और मस्त लेंगे। क्या बात है व्यू, रियली 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 पिज्जा इज ऑसम, बहुत मजेदार पिज्जा है। आप ये पिज्जा घर में ट्राई करेंगे तो बाहर का पिज्जा कैंसिल, आइंदा के बाद बाहर से ऑर्डर नहीं करेंगे कभी भी पिज्जा, इतना ज्यादा टेस्टी पिज्जा है यार, मजा आ गया, मजा आ गया। लेजी व्यूअर्स, मस्ट 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 ट्राई कीजिएगा पिज्जा का। वीडियोस को लाइक करें, चैनल को सब्सक्राइब करें और कमेंट जरूर करें। अगर आप भी चाहते हैं कि आपकी कोई स्पेशल रेसिपी हम शेयर करें अपने चैनल पे, तो प्लीज कमेंट कीजिएगा, हम आपसे रابطہ करेंगे, आप तक पहुंचेंगे। और आपकी भी स्पेशल रेसिपी
हम शेयर करेंगे लोगों से ताकि लोग अच्छे से अच्छा खाना घर में बना सकें और खा सकें। ले जी व्यूअर्स, फूडी भाई को दे इजाजत, टिल द नेक्स्ट वीडियो, अल्लाह हाफिज़।